हे गाइस, वेलकम बैक टू द डीवी स्टूडियो। मैं हूँ डीवी स्टूडियो का डीवी, मतलब कि दीपांशु वशिष्ठ, आर्किटेक्ट दीपांशु वशिष्ठ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 20x30 feet एक ऐसे घर की जो आपने अभी तक यूट्यूब पे फिर से नहीं देखा होगा। हमारे हर प्लान आपको एक से एक यूनिक मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको 20x30 में एक 3 BHK मिलने वाला है। बहुत ही शानदार डिजाइनिंग हुई है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लाइक कर देना। डीवी स्टूडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो यार। तो मिस मत करना कुछ भी, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। पहली बता रहा हूँ, इस घर की प्रोजेक्ट डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पॉज करके देख लेना अच्छे से, शांति से बैठ कर, क्या क्या हमने दिए हुए यहाँ पर। इस घर के फ्लोर प्लान के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। जैसा कि आप सभी ने लोगों ने बोला था कि आपको PDF चाहिए, मतलब कि मैंने आपको, कुछ लोगों को पता नहीं होगा, जो नए भी होंगे उन्हें भी नहीं पता होगा, हमने एक पोल क्रिएट किया था। कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर देख सकते हैं, हम यहाँ पर पोल डालने स्टार्ट किए हैं। वहाँ पर रिस्पॉन्स करो, आपके लिए फ़ायदा है। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो तो आप ही बताएंगे हमारी वीडियोज़ में। अभी यहाँ पर हमने प्लान के बारे में पूछा था, आपको प्लान किस तरीके से किस फॉर्मेट में चाहिए। तो आप सभी लोगों ने मैक्सिमम ने बोला कि आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए। तो हमने वापसी यही चीज़ स्टार्ट कर दिया, मतलब आपको PDF प्रोवाइड करनी अच्छे से डिटेल में। आप क्लोज करके जूम करके प्लान्स को देख पाएंगे। हाँ जी, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। हाउ एम आई लुकिंग? आई थिंक नॉर्मल। ये भी इम्प्रूव है क्या वीडियो की तरह, कमेंट सेक्शन में बता देना। क्या कह रहे हो, इतना मॉडर्न डिज़ाइन इतने छोटे प्लॉट में कैसे बन सकता है? यस, ये आपको यहाँ पर मिल जाता है एक फुली मॉडर्न लुक में। तो 600 स्क्वायर फीट का घर है, दो मतलब 20x30 का प्लॉट जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड गज में बात करें तो 65 गज का ये एरिया है। इस घर के तीनों साइड दस प्रॉपर्टी है। यहाँ पर फिर भी इस घर का अच्छे से वेंटिलेशन हो जाएगा। ये कैसे किया हमने, फ्लोर प्लान ज़रूर चेक कर लेना वो देखने के लिए। एंड अभी वीडियो देख लो, पहले वीडियो काफ़ी अच्छी बनी है। स्टार्ट करते हैं फ्रंट। ऑब्वियसली यहाँ से लेफ्ट साइड में आपको मिल जाती है आपकी पार्किंग। तो यहाँ पर हमने बाइक पार्किंग प्रोवाइड की है, इसको सेपरेट रखा है, अंदर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा फर्नीचर प्लेसमेंट में चेंज हो सकता है बस उसके लिए। राइट साइड में ये देखेंगे, ये घर की मेन एंट्रेंस मिल जाती है। यहाँ पर घर में एंट्री करते ही आपको एक मॉडर्न लुक में, सिंपल लुक में ड्राइंग रूम मिल जाता है। ये विंडो देखेंगे, ये वही पार्किंग की तरफ विंडो मिल जाती है आपको। देन टर्न किया, ये आपको मिल जाता है इस फ्लोर का कॉमन वॉशरूम, जिसकी वेंटिलेशन पार्किंग की साइड से हो जाएगी। एंड जैसे कि मैंने बताया, हमने पोल्स डालने स्टार्ट किए, वहाँ पर पार्टिसिपेट करो, आपके लिए फ़ायदा होगा। पोल्स में वोटिंग करो तो उसके अकॉर्डिंग हम भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। बाहर आए तो यहाँ पर ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, एक छोटी डाइनिंग टेबल चेयर आपको यहाँ पर मिल जाती है। एंड इसी के साथ यहाँ पर आपको एल शेप में मॉड्यूलर किचन मिल जाएगी। इसकी वेंटिलेशन बैक साइड शाफ्ट से हो रही है, शाफ्ट और OTS आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। हमने एंट्री भी दे दी है उसकी, अभी दिखाते हैं। टर्न किया स्टेयरकेस से तो ऑब्वियसली बाद में जाएंगे, एक और डोर मिलता है। ये आपको मिल जाता है बेडरूम नंबर 1। मॉडर्न लुक में डिजाइन हैं सारे, बड़ी वार्डरोब मिल जाती है। ऑब्वियसली स्टोरेज तो ज्यादा से ज्यादा चाहिए हमें। यहाँ पर आपको एक कंसोल मिल जाता है, इसको एज अ TV यूनिट बना सकते हैं आप इजीली। हर रूम में TV यूनिट भी नहीं होता है। तो ये वही वाली शाफ्ट और बैक साइड OTS है जो किचन से मैंने आपको दिखाया था। ऊपर ग्लास लगाए तो बारिश भी नहीं आएगी एंड वेंटिलेशन भी हो जाएगी, क्योंकि गैप देकर लगाया गया है। तो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर आपको 1 BHK मिल जाता है। हाँ जी, इतने छोटे साइज में भी आपको 1 BHK मिल जाता है। काफ़ी स्पेशियस डिज़ाइन बने हैं। स्टेयरकेस से चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर।
एंट्री करते ही फिर से कुछ आपको इंटरेस्टिंग दिख रहा है। यहाँ पर ये एक फैमिली लॉन्ज एरिया प्लस पूजा एरिया का कॉर्नर में प्लेस किया गया है। इसी के साथ यहाँ पर एक कॉमन वॉशरूम मिल जाता है इस फ्लोर का आपको। काफी सही साइजेस आपको मिल गए हैं। बाहर आए, टर्न करेंगे सबसे पहले तो जो ये अभी आमने सामने दो डोर हैं, अभी चलते हैं उसमें भी। इसमें आप एंटर करेंगे तो ये आपको बेडरूम नंबर 2 मिल जाता है, सिंपल एंड मॉडर्न डिजाइन के साथ। फिर से यहां पर आप टीवी यूनिट इजीली प्लेस कर पाएंगे। बाहर आ गए स्टेयरकेस फैमिली लॉन्ज एरिया में। इसके बाद यहां एंटर करेंगे ये आपको बेडरूम नंबर 3 मिल जाएगा। फिर से एक फुली मॉडर्न लुक एंड सिंपल डिजाइन है ताकि बजट में भी रहे घर। डिजाइन से अच्छे हो तो डिजाइन के नाम पर, नहीं तो मेरे नाम पर तो एक वीडियो को लाइक कर ही देना अभी के अभी। इसी के बाद ये क्या मिल रहा है आपको, ये तो आपको यहाँ पर वॉकिंग क्लोजेट भी मिल जाती है। हाँ जी, तो यहाँ पर आपको ड्रेसिंग मिरर के साथ वॉकिंग क्लोजेट मिल जाएगी। इसी के साथ ये आपको इस बेडरूम का अटैच टॉयलेट भी मिल जाता है। तो आपको ऐसा ही फील हो रहा होगा कि एक नॉर्मल एक बड़े घर का डिज़ाइन बनाया हमने यहाँ पर, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आपकी कंप्लीट हो गई हैं। बाहर आए रूम में, अब ये सामने आप ग्लास डोर देखेंगे तो यहाँ से आपको एक बालकनी मिल जाती है। ऑब्वियसली फ्रंट साइड तो आपको बालकनी मिल ही जाएगी। वापस आए अंदर तो ये था फर्स्ट फ्लोर का 2 बेडरूम सेट विद फैमिली लॉन्च, पूजा भी ऊपर ही है। अभी स्टेयरकेस से चलते हैं हम अपने टेरेस गार्डन की तरफ। होपफुली अभी तक तो आपने इतनी रिक्वायरमेंट्स इतने छोटे प्लॉट में नहीं देखी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा है। टेरेस पर एंट्री करी ग्रीन एरिया, जो कि आज के टाइम पर बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। इसके बाद ये बॉक्सिंग टाइप देखेंगे, ये वही ग्लास है जो मैंने आपको नीचे शाफ्ट और ओटीएस इससे दिखाया था ऊपर। यहाँ पर ही आपको वाटर टैंक भी मिल जाते हैं ताकि यहीं से पाइपलाइंस भी इजीली चली जाएंगी। ओवरऑल हम मैक्सिमाइज करते हैं कि हमारे प्लान्स मैक्सिमम प्रैक्टिकल रहें, मैक्सिमम का होने भी चाहिए प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल है नहीं है हमारे प्लान्स, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना। चलो वो चलते हैं आगे टेरेस की तरफ। तो बैक साइड थोड़ी पेवमेंट थी, आगे यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रास लगाई गई है एंड यहाँ पर सिटिंग भी आप कर सकते हैं क्योंकि ये कवर्ड मिल जाता है आपको। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा या दोबारा बोलना पड़ेगा। चलो मैं दोबारा बोल देता हूँ, आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना अभी की अभी। इतनी एक्साइटमेंट एनर्जेटिक आज हम लग रहे हैं क्योंकि डिज़ाइन भी आपने देखा होगा, काफ़ी एक्साइटेड आपने देखा होगा। यहाँ पर बहुत मेहनत लगती है हमारे डिज़ाइंस में। वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर ज़रूर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। टीवी स्टूडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो फिर से कुछ मिस कर दिया ना, तो वीडियो यहाँ पर देख लेना, लास्ट वीडियो यहाँ पर लगा दिया आपके लिए। एंड थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। फिर से मिलेंगे एक बढ़िया, होपफुली एक बेटर इम्प्रूवमेंट के साथ। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।